Good afternoon to all. Myself Priyanka. So today I again come with the next video of pediatric nursing, that is on tonsillitis. इससे पहले मैंने आपको कोएनल एट्रेजिया कंप्लीट करवाया है. ओके, सो टॉन्सिलाइटिस, कोएनल एट्रेजिया, ये दोनों क्या हैं? अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो पीडियाट्रिक नर्सिंग की यूनिट सेकंड में आते हैं, एमएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में. सो टॉन्सिलाइटिस में दो चीज़ें आ रही हैं. फर्स्ट वन इज़ द टॉन्सिल एंड सेकंड वन इज़ द आइटिस. सो पहले हम मीनिंग समझेंगे टॉन्सिल का. सो टॉन्सिल्स क्या होते हैं? टॉन्सिल्स आर द लिम्फ नोड्स, क्लियर, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? वो हमारे बैक ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होती हैं या टॉप ऑफ द थ्रोट में प्रेजेंट होती हैं. और इन लिम्फ नोड्स का, टॉन्सिल्स का काम क्या होता है? जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स हैं उनको फिल्टर आउट करना, ताकि वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके, क्लियर. एंड आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉन्सिलाइटिस? इट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स. और जब इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल हो जाएगी, तो जो टॉन्सिल का फंक्शन था कि जो भी जर्म्स थे, बैक्टीरिया थे, उनको फिल्टर आउट कर रहा था, वो फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द एनाटॉमी ऑफ द टॉन्सिल्स. सो टॉन्सिल्स आर मेड अप ऑफ फोर मासेज ऑफ टिश्यूज. यहाँ पे करेक्शन कर लेना. सो व्हाट आर दीज फोर मासेज? फर्स्ट वन इज द लिंगुअल टॉन्सिल, सेकेंड वन इज द ट्यूबल टॉन्सिल, थर्ड वन इज द फेरिंजियल टॉन्सिल, एंड वी ऑल्सो से दैट एडिनोइड टॉन्सिल, एंड लास्ट वन इज द पैलेटाइन और फेसिकल टॉन्सिल. सो दीज आर द फोर मासेज ऑफ द टॉन्सिल्स. टुगेदर दे फॉर्म द वॉल्डियर रिंग. ओके, सो वेट, सो हियर सी इन दिस डायग्राम वॉल्डियर रिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज. सो वॉल्डियर रिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड फोर मासेज ऑफ टिश्यू. फर्स्ट वन इज द फेरिंजियल टॉन्सिल, सेकेंड वन इज द ट्यूबल टॉन्सिल, देन पैलेटाइन टॉन्सिल, एंड लास्ट वन इज द लिंगुअल टॉन्सिल. एंड वी कैन से दैट वॉल्डियर रिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यू. ओके, सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन. एज आई टोल्ड यू प्रायर, टॉन्सिलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स. सो वॉट इज टॉन्सिल? टॉन्सिल्स आर द ओवल शेप्ड पैड्स ऑफ द टिश्यूज एट द बैक ऑफ द थ्रोट. सो जब इन ओवल शेप्ड पैड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉन्सिलाइटिस. सो वॉट इज द फंक्शन ऑफ टॉन्सिलाइटिस? दे कैन स्टॉप द एंट्री ऑफ द जर्म्स इन द बॉडी थ्रू नोज एंड द ओरल कैविटी, एंड इट हेल्प्स टू किल द जर्म्स, क्लियर. नेक्स्ट इज द रिस्क फैक्टर्स. सो यंग एज में, जैसे 4 to 7 ईयर एज है, तो उस एज में ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस के चांसेस होते हैं. और फ्रिक्वेंट एक्सपोजर टू जर्म्स, जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, वो ज़्यादा स्कूल में ज़्यादा बच्चों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, क्राउड में होते हैं, तो उनको टॉन्सिलाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो दीज टू आर द रिस्क फैक्टर्स. नेक्स्ट इज द एटियोलॉजी ऑफ द टॉन्सिलाइटिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटियोलॉजी? एटियोलॉजी मीन्स द कॉजेटिव एजेंट्स और द कॉजेज दैट लीड टू द टॉन्सिलाइटिस. सो व्हाट आर द कॉजेज? Tonsils also occurs due to bacteria or also occurs due to viral, but most often caused by the viruses, but bacterial infection can also be the cause of tonsillitis. So bacterial infection mainly कौन सा bacteria जो है वो tonsillitis cause करता है? That is the Streptococcus pyogenes, that is group A Streptococcus, the bacteria that cause strep throat. Okay, so mainly आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया है? ये आपको एंट्रांस में भी क्वेश्चन आ सकता है टॉन्सिलाइटिस से रिलेटेड, कि कौन सा बैक्टीरिया है जो टॉन्सिलाइटिस कोज करता है. सो व्हाट इज दैट बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, दैट इज ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, एंड द बैक्टीरिया दैट कोज द स्ट्रेप थ्रोट. ओके,
एंड वायरल, जैसे रिहिनो वायरस, एडीनो वायरस, एंटीरो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस, जो भी कॉमन कोल्ड होता है इसकी वजह से. ओके, एंड नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कोज इज द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, एग्जाम्पल एब्स्टेन वार वायरस. सो दीज थ्री आर द कॉजेज ऑफ द टॉन्सिलाइटिस. एंड मेनली आपको याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया टॉन्सिलाइटिस कोज करता है, दैट इज़ द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजंस. ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. और एक चीज़ मेन आपको याद रहनी चाहिए कि टॉन्सिल्स का फंक्शन क्या होता है. ये फिल्टर आउट करते हैं जो भी बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से, ताकि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके. ओके, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टाइप ऑफ टॉन्सिलाइटिस. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट, रिकरेंट एंड क्रोनिक. एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होता है, विद इन 7 days ठीक हो जाता है. रिकरेंट मतलब बार बार इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है. और क्रोनिक लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है. ओके, नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस. सो फर्स्ट मेन साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉन्सिलाइटिस इज द सोर थ्रोट. ओके, नेक्स्ट इज द टॉन्सिलाइटिस. अगर टॉन्सिल्स की इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जब भी पर्सन क्या करेगा, स्वेलो करेगा, तो उस टाइम पे उसे पेन होगी स्वेलो करने में, डिफिकल्टी होगी व्हेन स्वेलोइंग. ठीक है, नेक्स्ट इज द स्क्रैची साउंडिंग वॉइस आएगी. ठीक है, और टॉन्सिलाइटिस, अगर टॉन्सिलाइटिस हो गया और टॉन्सिल्स में अगर पस फॉर्मेशन हो गई है, तो उस पस फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, बैड ब्रीथ आएगी, बैड स्मेल आएगी. ओके, नेक्स्ट इज द फीवर. इन्फेक्शन है तो ऑब्वियस है फीवर होगा ही. ठीक है, नेक्स्ट इज द चिल्स. नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. ओके, रेस्पिरेशन भी इम्पेयर्ड हो जाती है इसकी वजह से. एयर एक्स हो सकती है, स्टमक एक हो सकती है, हेडेक, अ स्टिफ नेक, जो है नेक टेंडरनेस. टेंडरनेस मीन्स पेन ऑन टच फ्रॉम स्वेलन लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स स्वेलो कर स्वेल हो जाएंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, नेक टेंडरनेस होगी, जॉ टेंडरनेस होगी. एंड हाउ द टॉन्सिल्स अपेयर. टॉन्सिल्स अपेयर रेड एंड स्वेलोन. ठीक है, टॉन्सिल्स दैट हैव वाइट और येलो स्पॉट्स. सो दीज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉन्सिलाइटिस. सो इन टूडे वीडियो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया टॉन्सिलाइटिस के बारे में. फर्स्टली मैंने एनाटॉमी बताई आप लोगों को टॉन्सिलाइटिस की. सो टॉन्सिल्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं. ठीक है, एंड थ्री मासेज ऑफ टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं, सॉरी फोर मासेज ऑफ टिश्यूज. व्हाट आर दिस, लिंगुअल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, फेरिंजियल टॉन्सिल एंड पैलेटाइन टॉन्सिल. और टुगेदर हम इनको क्या बोलते हैं, वॉल्डियर रिंग ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू. तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि वॉल्डियर रिंग्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स लिंगुअल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, फेरिंजियल टॉन्सिल एंड द पैलेटाइन टॉन्सिल्स. और आपको फेरिंजियल टॉन्सिल का सेकेंड नेम भी पता होना चाहिए, जैसे कि एडेनोइड टॉन्सिल एंड पैलेटाइन टॉन्सिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फेशियल टॉन्सिल्स. ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया डेफिनेशन के बारे में. नेक्स्ट इज द रिस्क फैक्टर, देन कॉजेज. कॉजेज में मेनली द बैक्टीरिया दैट कॉज द टॉन्सिलाइटिस इज द विश बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजंस एंड ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस. ओके, नेक्स्ट द टाइप्स, दैट इज थ्री टाइप्स, एक्यूट, रिकरेंट एंड द क्रोनिक एंड द साइन एंड सिम्टम्स. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे वीडियो. नेक्स्ट फर्दर टॉपिक जो है, जैसे कि इसके बाद हम इसके पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लिया हमने, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ट्रीटमेंट एंड पैथो. इसकी पैथो मैं आपको अपनी शॉर्ट्स वीडियो में शेयर करूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो. और जो इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है और मैनेजमेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.